लेते जाओ। ये समझ लेना कि तुमको अब जो है कि जो तुम्हारा परेशानी था वो हरदम के लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बाबा ये समझो तुमको बच्चा देने के लिए एकदम तैयार है, एकदम तुम्हारा गोद भर जाएगा। तब लेट क्या है, तुम्हारा पति आ जाएगा, उससे पहले बाबा तुमको बच्चा भर दे रहा है, ठीक ना? तो तैयार हो जाओ। पता ना कब तक आएंगे हम, यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए, अकेला खेत में अभी तक आए नहीं, क्या करे, बैठे कि यहाँ जाए, समझे ना यार हम क्या करें। अरे वो कौन है बाबा है का? अरे बाबा इधर आइए। मुझे आपको बुला रहे, इधर आइए। अरे रे 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 रे, तो क्या करें, ये तो अकेले है, इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा सुन ले रहा हूँ कि क्या कह रही है, ठीक है आ रहा हूँ। हमको बुलाई हो? आपको नहीं तो और किसी को बुला रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या कह रही हो? बैठिए ना, बैठ के बीच आराम थोड़ा कर लीजिए, बहुत धूप है। अच्छा बैठे करना है, बैठिए। हाँ बच्ची, हम ये देख रहे हैं कि मतलब तुम यहाँ पे अकेले में बैठी हुई, खेत देख रहे हैं। अच्छा ये सब अपना ही है क्या? हाँ, सब अपना ही है। ओ तो सोचे आपको देखे तो सोचे बुलाएं आपको बैठा। नहीं 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 ठीक है ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो ना तुम्हारा पति गया केला वाला बेचने गए हैं। अच्छा मतलब केला वाला बेचने गए हैं बाजार में? हाँ मार्केट में गए हैं केला वाला। ठीक है ठीक है, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। तब तक आपको देखे तो बोला लिए, थोड़ा हाथ का लकीर देखने के लिए। अच्छा हाथ दिखाने के लिए बुलाई हो? हम सोचे कि बचिया अकेले है और क्या कह रही है। ठीक है तो मतलब क्या परेशानी वरसानी है, देखिए ना आप, देख के बता सकते हैं। अच्छा हम देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। बच्ची तुम्हारे पास पैसा कौड़ी का तो कोई कमी नहीं है? अन धन तो बहुत ज्यादा भरा पड़ा हुआ है। हाँ, तो तुम्हारा समस्या मतलब यही है कि हम समझ रहे हैं तुम्हारा समस्या कि देखो ये पैसा कौड़ी का कोई परेशानी नहीं है और यहाँ पर जो है ना कि ये जो बच्चा वाला रेखा है ये सब दब गया है। दब गया है? हाँ। तो इसके कारण क्या है? मतलब हमारे कहने का मतलब ये जो मतलब भाग्य में बच्चा जो होता है ना, ये रेखा ज्यादा चटक होता है और ये तुम्हारे अंदर जो ये रेखा दबा हुआ है इस पे कारण है, इस पे ग्रह लगा हुआ है। क्या कारण है, उसको कोई उपाय करिए। उपाय तो हम कर देंगे, लेकिन ये बताओ तुमको कोई बच्चा वच्चा अभी तक हुआ कि नहीं? नहीं। ओ समझ गए समझ गए। बच्ची मतलब तुमको तो ये सब परेशानी नहीं है, घर द्वार रहन तेन का सब कुछ है हमारे पास। हाँ सिर्फ बच्चा भी नहीं होता। ओ समझ गए समझ गए। बस बच्चा ही की प्रॉब्लम है, मतलब सब कुछ है, धान दौरा सब, खेती बाड़ी सब सही है, सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है, सब भरा है। हाँ, केवल मतलब एक औलाद की कमी है। हाँ तो उसी से लोग बिताना मरते है। ओ गांव के अगल बगल के लोग मरते है ताना। हाँ 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 हाँ, तो इसका कोई उपाय करिए। अरे बिल्कुल उपाय कर देंगे, लगेगा आप दिए जाएगा। बिल्कुल उपाय कर देंगे, बिल्कुल उपाय कर देंगे। बच्ची एक बात कहें, हाँ कि तुम्हारा पति तुमको मानता जानता है कि नहीं? मानते हैं। मानते हैं ना, लेकिन ये है कि तुमको बच्चा वच्चा नहीं हो रहा है, यही ना परेशानी है। तो ठीक है, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाबा जब आ गया ना तो काहे को टेंशन ली हुई है। ये तो कहो कि संजोग से मैं इधर आ गया, ठीक ना? तो बच्ची थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। ये कह रहे हैं कि तुमको मतलब बच्चा चाहिए हर हाल में ना, मतलब बाबा इसके लिए जो तुमको कहेगा वो करने के लिए तैयार हो ना? क्या करना पड़ेगा बच्ची? हाथ देख रहे हैं, उधर हाथ कीजिए। ठीक है ठीक है, देखना है तो अच्छे से देखे, इधर उधर हाथ का है? नहीं नहीं, इधर हाथ कर रहे थे, मतलब ये रेखा इधर घुमा रहे थे देखने के लिए। तुम गलत समझ रही हो, गलत इतना इतना बात समझोगी तो कैसे बच्चा होगा?
ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पति तुमको मानता जानता है और तुमको जो है कि एक बच्चा नहीं है, यही ना समस्या है। तो मतलब ये बताओ कि बाबा मतलब अपना आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर भर देगा, तुमको बच्चा हो जाएगा, तुम खुशहाल हो जाओगी, तो इसके लिए बाबा जो कहेगा वो कर पाओगी? क्या करना पड़ेगा बच्ची इसके लिए? बाबा जो बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो कहना है बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पकड़ के बताएंगे तभी बात होगा। अरे नहीं समझ रही हो, नहीं समझ रही हो, हम जो कर रहे हैं उसको तुमको मतलब गौर से समझना पड़ेगा, समझी ना? और यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें बच्चा हो, चाहती हो कि तुम्हारा जीवन खुशहाल हो, अच्छा तुम बताओ बच्ची कि ये जितना अन्न धन है, खेती बाड़ी है, ये सब रह के क्या करेगा कि एक औलाद नहीं रहेगा? समझ रही हो? तो मतलब अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा पति इस समय संजोग से है नहीं, समझ रही हो? तो हम कह रहे हैं ना कि बाबा का आशीर्वाद ले लो और तुम्हारा मतलब बच्चा हो जाएगा, समझ रही हो बात को? तो इसके लिए शर्म करोगी तो काम नहीं बनेगा। तुम्हारे पास जो भी ये खेती बाड़ी धन दौलत घर द्वार है ना, ये सब क्या होगा कि जब एक औलाद नहीं रहेगा? आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब हमारा बात पहले ध्यान से सुनो। हाँ, बताइए। कहने का मतलब है ना कि इसके लिए तुमको मतलब बच्चा चाहिए ना, हाँ, हाँ। तो इसके लिए जो बाबा कह रहा है वैसा तुमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये शर्म वरम छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। और जो बाबा जो कहता है वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझी? आप साफ साफ बताइए ना क्या कहना चाहते हैं। अब तो तुमसे बताना ही पड़ेगा। हाँ बताइए। देखो बच्ची, ये संजोग से ना तुम्हारा पति इस समय नहीं है, ठीक ना? और ये सुनहरा मौका है, मतलब तुम थोड़ा सा तैयार हो जाओ ना तो बाबा जो है कि बच्चा भर देगा। अच्छा। और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, तुम एकदम खुश हो जाओगी, तुम्हें कोई ताना नहीं मारेगा, समझ रही हो बात को? तो मतलब बाबा का ना आशीर्वाद ले लो, जानती हो क्या? कि बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बच्चा के लिए ना मतलब तुम चाहती हो कि मतलब बच्चा हो जाए ना, तो इसके लिए ना जो औरत एक मर्द के साथ करती है वो तुम्हें बाबा के साथ। ये सब क्या आप कह रहे हैं? बोलने से नहीं आ रहा। अब बाबा है तो ऐसे ही कहेंगे हमको? नहीं समझ रही हूँ। ऐसा करिए कि मेरे पति के संग हो जाए हमारा बेटा। अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने शक्ति जादू से करिए, काय नहीं हो जाएगा। अरे करना चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। शक्ति जादू से, टोना से, भूता से, मंत्र से कहीं बच्चा होता है? करना चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं करेंगे तो। अरे तो बाबा तो करना ही चाहता है, लेकिन अब तुम तैयार होगी तब ना। बात ये है ना, तैयार है ना? आप ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि सुनने में भी कुछ शर्म लग रहा है। अरे तुम बात समझो, ये शर्म उरम छोड़ो बच्ची। बात ये है ना कि तुम्हारा पति जो है ना शुरू से अय्याश टाइप का है, ठीक ना? वो अपना एनर्जी जो है कि खत्म कर लिया है, अब उसमें बच्चा देने वाला शक्ति नहीं रहा है, समझ रही हो बात को? अब जो है बाबा तुमको भर देगा बच्चा ना, तो तुम्हें एकदम खुशहाल हो जाओगी, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, समझ रही हो? तो मतलब अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मतलब कैसे क्या करना चाहती हो। ठीक है, सोच के बताएंगे हम। अरे कब तक सोचोगी? तुम्हारा दिन के टाइम दीजिए हमको। अरे तो बाबा रमता जोगी बहता पानी है, समझ रही हो? अपना फोन नंबर एड्रेस दे दीजिए, मतलब अपना आटा का एड्रेस दे दीजिए, हम वहीं पे आ जाएंगे। बच्ची बात समझो, बाबा एक जगह नहीं रहता है ना। बाबा तो आप अस्थाई से रह रहे होंगे। अरे कभी बाबा यहाँ कभी वहाँ, ठीक ना? हम ये सोच रहे हैं कि तुम एक दो दिन में क्या सोचोगी, क्या समझोगी? तुमको जो है बच्चा चाहिए ना, तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है। अब तुम चाहो तो बाबा बच्चा भर देगा, और नहीं तो बाबा यहाँ से चलेगा, ठीक ना? जीवन भर ऐसा ही का ऐसा ही रह जाओगी। अब तुम सोच लो, बाबा तो चलेगा। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए, अभी बता रहे हैं, ठीक है? जो कह रहे वही होगा, बैठिए। हो जाएगा तो ठीक है बच्ची।
तुम थोड़ा लेट से समझ रही हो, यही ना बात है। समझ तो रही हो लेकिन थोड़ा लेट से समझ रही हो। हम कह रहे हैं ना कि जो तुमको मतलब पति से नहीं हो पा रहा है वो बाबा से सुख ले लो और तुमको मतलब तुम्हारा गोद भर जाएगा। ये जो गांव नगर के लोग तुमको ताना मारते हैं नहीं मारेंगे। हम तो ये देख रहे हैं तुमको इतना सुंदर भगवान कि तुमको भगवान इतना सुंदर बनाए हैं, मगर तुमको एक बच्चा का कमी है। तो तुम क्या करो ना, वो बाबा से ले लो ना, वो मतलब वो सुख अभी बाबा तुमको बच्चा भर देगा ना, तुम एकदम खुशहाल हो जाओगी, तुमको बच्चा हो जाएगा, तुमको कोई ताना नहीं मारेगा। समझ रही हो बात को? तो मतलब बाबा से बच्चा लेने के लिए तैयार हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो मतलब सोच लेना बच्ची, तैयार हो? तुम्हारा पति गया है मार्केट में ना, तो अभी आने में कुछ टाइम है ना। अभी ऐसा नहीं ना है कि अभी हम बच्चा भरने लगे तब तक हुआ जाए, काम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा नहीं ना आता है, तो तब लेट क्या है, तब हो जाओ ना तैयार। अब जाना कहाँ है, यहीं पे तैयार हो जाओ। एक काम है ना, बाबा तुमको बच्चा भर देगा, ठीक ना? और जो है कि मतलब बाबा को मतलब भूलना नहीं, ठीक है? बाबा तुम्हारे सुंदरता पे दीवाना है, तुमसे मिलने बार बार आएगा, समझ रही हो? तो तैयार हो ना, तो यहीं पे लेट जाओ, लेट जाओ, देर ना करो, नहीं तो आ जाएगा कोई तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लेट जाओ, ये समझ लेना कि तुमको अब जो है कि जो तुम्हारा परेशानी था वो हरदम के लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। समझ रही हो ना? अब ये समझो ना कि तुम्हारा समस्या हरदम के लिए खत्म हो जाएगा, तुमको बच्चा हो जाएगा, तुम एकदम खुशहाल हो जाओगी, तुमको एकदम कोई ताना नहीं मारेगा। समझ रही हो? तो बाबा अब बच्चा भरने जा रहा है। क्या कर रहे, बच्चा हो जाएगा ना? अरे तुम काहे को टेंशन ले रही हो, बाबा जब कह रहा है ना कि तुमको बच्चा हो जाएगा तो हो जाएगा। समझ रही हो बात को? तुम जो है कि भगवान का नाम लो और बाबा पे विश्वास रखो, वो तुम्हारा जो पति है ना उसको मतलब बच्चा भरने वाला एनर्जी खत्म हो गया है, समझ रही हो? और जो बाबा है ना, बाबा मतलब इतना एक्स्ट्रा ये सब काजू बादाम लेता है कि बाबा में अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है बच्चा देने वाला शक्ति। और बाबा तुमको जो है ना कि बच्चा भर देगा, तुम एकदम खुशहाल हो जाओगी, ठीक ना? तुम्हारा समस्या हरदम के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक ना? तो तैयार हो ना? बच्चा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बच्ची जब तुम इतना सब कर सकती हो ना, तो बाबा ये समझो तुमको बच्चा देने के लिए एकदम तैयार है, एकदम तुम्हारा गोद भर जाएगा। तब लेट क्या है, तुम्हारा पति आ जाएगा, उससे पहले बाबा तुमको बच्चा भर दे रहा है, ठीक ना? तो तैयार हो जाओ। बच्ची बैठ जा, बैठ जा। बच्ची बच्ची जी, ये कह रहे हैं कि कुछ मतलब अपने पति के पास तुम सोती हो, उससे मतलब बाबा जो मतलब तुमको बच्चा दिया है भरा है, इसमें कुछ अंतर मिला है कि नहीं? मिला है ना? तो ये समझो कि अब तुमको बच्चा हो जाएगा, ठीक ना? कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? एक काम है कि मोबाइल चलाती हो तो मेरा नंबर नोट कर लोगी? नंबर बोल दें, 6692000 और फिर से 5353, ठीक ना? याद भूलोगी नहीं ना? एक काम है ना बच्ची कि जब तुम्हारा पति नहीं रहेगा ना, तो तुम हमारे पास फोन करोगी, हमसे बात करोगी। और एक काम है ना कि तुमको मतलब तुम्हारा पति जब नहीं रहेगा तो हमसे बात करना, और जब कहीं चला जाएगा जैसे इधर कभी आ जाएगी ना तू अकेले में, तो हमको बुला लेना। वास्तव में कह रहे हैं, दिल से एक बात कह रहे हैं, मतलब गलत नहीं ना मानोगी बच्ची? आज तक ना
हम इतने इतने महिलाओं से मतलब इतने लड़कियों से प्रेम किया हूँ ना, लेकिन तुम्हारे मतलब तुम्हारा एक अलग ही भगवान तुमको बनाए, तुमको जो है ना एक औरत में जो चाहिए सब कुछ तुमको भगवान दिए हैं, ठीक ना। तुम्हारा पति का भाग्य ठीक है कि तुमसे शादी हुआ है, ऐसा औरत हमको मिल जाए ना तो ये समझो कि मैं तूफान मचा दूंगा, तूफान मचा दूंगा। बच्ची हमको तो जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है। नहीं, मेरा पति आने वाला है, टाइम हो गया, जाइए, हम फोन करके आपको बुलाएंगे। हमको बुलाओगी ना? बुलोगी नहीं ना? क्या कहें, हमको तो जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है, लेकिन जा रहे हैं। तुम्हारा पति आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मरने पीटने लगेगा। अरे तो जो बच्चा है ना, ये तुम जानती हो ना कि बच्चा मेरा है, नाम तो तुम्हारे पति का ही रहेगा। लेकिन अब बाबा चलते चलते ना एक पप्पी करेगा। चलो हम बच्ची, ठीक है, प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम, देखो ना कि मतलब तुमको देख के बाबा के दिल में हलचल मचा हुआ है, तुमको पाकर भी ना ऐसा हो रहा है ना कि काश तुम मेरे ही पास हरदम रहती तो कितना अच्छा रहता, कितना सुनहरा रहता। तो थोड़ा भी जाने को इच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, जाइए, हम फोन आने में टाइम हो गया, आते ही होंगे, जाइए। आते होंगे, हाँ। चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। बॉय बॉय, इसके संग वीडियो नहीं करना चाहिए, हम कर बैठे हैं, बच्चा हो जाएगा तो अच्छा ही है।